गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिगंबर जैन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको सप्लीमेंट्री रीडर का योगा एजुकेशन पार्ट सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू योगा। ये आपको पेज नंबर 30 पर मिलेगा। योगा बेस्ड एजुकेशन में बताया गया है कि योगा शब्द कहाँ से डराइव हुआ है, युज समाधव से। आप सभी जानते हैं हमारे स्कूल में भी योगा हुआ करता है, ये एजुकेशन में हमारे शामिल है। युज गेय सफिक्स से बना है, जिसका मतलब होता है समाधि। ओके, सेज पतंजलि ने, मतलब संत पतंजलि ने इस मेथड को योगा कहा है। इसमें हमारी बॉडी, माइंड और थॉट्स क्लीन होते हैं। जैसे हम डेली हमारे शरीर की गंदगी की सफाई करते हैं ना, वैसे ही मन की गंदगी की, हमारे इंटरनल जो डर्ट है उसको साफ करने के लिए योगा किया जाता है। इससे हमारी मेंटल डेवलपमेंट होता है। एम्स ऑफ योगा एजुकेशन लिखा हुआ है इसमें। इससे क्या होगा योगा करने से, वो बताया गया है कि हम हमारे इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी बहुत सारी डिजीज़ को हम खुद ही उपचार कर सकते हैं उसका। ठीक है, इससे हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है काफ़ी लोगों को। योगा करने से बहुत फ़ायदे होते हैं, इससे हमारा मोटापा भी कंट्रोल होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टांग योगा, जिससे क्या होगा, अष्टांग योगा के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा। इसमें आपको शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, यम मतलब होता है नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी। नियम मतलब होता है डेली हम जो करते हैं, जो हमारे डेली रूटीन में होता है, जो एक चीज़ हमारे डेली रूटीन में आ जाती है उसे कहते हैं नियम, हमें डेली करना चाहिए योगा। आसन मतलब होता है सही पास्चर में बैठना, पास्चर में बैठ के आसन लगा कर हम योगा करते हैं। प्राणायाम मतलब क्या होता है, कंट्रोल ऑफ प्राण, मतलब हमारे प्राणों पर हमारा कंट्रोल। प्रत्याहारा मतलब होता है हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना, हमारे सेंसेस को हमारे अंदर की तरफ हम कंट्रोल कर लेते हैं ना, वो होता है प्रत्याहारा। धारण करना क्या होता है, हम प्रैक्टिस में कुछ भी, अब जैसे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इट्स प्रैक्टिस नथिंग इज देयर एक्सेप्ट एंड, हमारे उद्देश्य के आगे कोई भी नहीं आएगा। धारण कर लिया हमने योगा को। ध्यान मतलब होता है आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट करना माइंड की तरफ, हमें आंखों के बीचों बीच कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसे कहते हैं ध्यान। समाधि ये आखिरी स्टेज होती है जहाँ पर हम सुपर कॉन्शियसनेस में पहुँच जाते हैं, जिससे हम गॉड से मिल जाते हैं, जिसमें हम किससे मिल जाते हैं, गॉड से। हम प्योरीफाई हो जाते हैं, हमारा बॉडी, हमारा नॉलेज प्योरीफाई हो जाता है। हम कुछ ही स्टेप्स को अगर कर लेना अष्टांग योगा के, तो भी हम लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।